YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मस्जिद नबवी के गेट नंबर 333 से जब आप निकलोगे तो आप एक बहुत ही खूबसूरत जगह पहुँचोगे, और वो कौन सी जगह है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आई लव मदीना। ये जो जगह आप देख रहे हो, पहले यहाँ पर रोड हुआ करती थी, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने इसे रिनोवेट करके काफ़ी खूबसूरत बना दिया है और ज़ायरीन के लिए कहीं ना कहीं आसानियां भी पैदा कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बेंचेस बनाए हैं, यहाँ पर आप बैठकर खा सकते हो, बात कर सकते हो। ये कॉफ़ी शॉप है तो आप यहाँ पर आकर कॉफ़ी भी पी सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट बने हुए हैं, शॉप भी बनी हुई है तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, यहाँ पर सभी लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, अपनी फैमिली के साथ पिक्चर लेते हैं। तो आप ये देखें, इनाया भी बैठी है, उसको एक फ्रेंड मिल गई है, बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्यूट सी इनाया उसके पास जाकर बैठ कर उससे बातें कर रही है। माशाअल्लाह ज़रूर कहिएगा, क्योंकि नाया जो है इस तरीके से जब भी मक्का मदीना जाती है उसे काफ़ी फ्रेंड्स मिल जाते हैं और वो बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। ये देखें कबूतर के पर जैसा कुछ बना हुआ है, और जितने भी ज़ायरीन आए हैं सभी लोग यहाँ पर पिक्चर क्लिक करवा रहे थे, और इस छोटी सी बच्ची को देखकर इनाया भी जाकर बैठ गई। छोटी माशाअल्लाह दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे थे, और इतनी प्यारी सी जगह पर इतने प्यारे प्यारे बच्चे, तो माशाअल्लाह तो बनता है, माशाअल्लाह ज़रूर कहिएगा। और जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है सुन रहा है तो प्लीज़ मेरी बेटी के अच्छे नसीब की दुआ लाजमी कीजिए। और यहाँ इनाया को देखिए, जो कोई भी अपनी फ़ोटो खिंचवा रहा था इनाया जाकर बैठ जाती थी, उससे बहुत मज़ा आ रहा था। बुला लो मुझे शाह बहरों पर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाह बहरों पर मदीने सुभान अल्लाह क्या मंजर है। आप देखें, जब आप ये फ्रेम को देखें कितना प्यारा बना हुआ है, और इसकी लोकेशन देखें कि जब आप फ़ोटो जो है क्लिक करते हो तो बिल्कुल पीछे आप देखें मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आ रहे हैं, इसे फ्रेम लोकेशन भी कहा जाता है। और इसी रास्ते से हम बंगाली मार्केट और जबल अहद के पहाड़ की तरफ भी जाते हैं। अब हम मस्जिद नबवी के अंदर आ चुके हैं।
स्टे का मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये हम रोमांस आए हैं खाना खाने के लिए। मौसम बहुत अच्छा है। फैमिली सेक्शन की एंट्री यहाँ से होती है, आप देख सकते हैं। ये मैं अंदर से आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बना हुआ है। और ये देखिए टेबल और चेयर के साथ अगर आप इस तरीके से बैठकर खाना चाहते हैं तो यहाँ भी बैठकर खा सकते हैं। कितना प्यारा व्यू है यहाँ से देखें आप, काफ़ी बड़ा है। और आप अगर फ्लोर पर बैठकर आराम से खाना चाहते हैं इस तरीके से तो यहाँ भी खा सकते हैं, और अगर आप टेबल पर खाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी बैठकर आराम से खा सकते हैं। ये बच्चों के खेलने का एरिया भी इन्होंने बनाया है, तो ये एक तरीके से काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए। जल्दी आ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना भी आ चुका है, आइए हमारे साथ आप लोग भी बिस्मिल्लाह करें। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मौजूद है, आप वहाँ से मुझे फॉलो करो। बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। रोमांच हम आए हुए हैं खाने के लिए, और मैं वहीं की विंडो से दिखा रही हूँ जहाँ पर हमने बैठकर खाया है। यहाँ भी आप बैठकर खा सकते हैं आराम से सुकून के साथ। और अगर आप चाहें टेबल पर बैठकर खाना तो वो भी इनके पास मौजूद है, जो कि मैंने भी आपको पीछे दिखाया वीडियो में। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कहाँ बैठकर खाना चाहते हैं। अब ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।